मैं सतीश जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को वापस अपने आईने में देखने का मौका दिया। कोई इतनी शिकायत है कि हिंदी चैनल के बारे में इतनी लंबी सारी दास्तान थी, हिंदी का कोई पत्रकार नहीं था, हमसे बात कर लेते, हमारा फोटो भी उस पर दिखाई दे रहा था। पर यह है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पत्रकारों को ही पत्रकार मानते हैं। एक तो भ्रष्टाचार को लेकर के बात हो रही है, बार बार बात होती है, इतनी बात होने लगी है तो मुझे लगता है कि चमड़ी इतनी मोटी हो जाएगी कि लोग धीमे धीमे करके इसका असर भी जो होता है वो कम होगा। मैं दो रोज पहले लखनऊ में था और वहाँ के विक्रम राव की किताब का लोकार्पण था, उसको भी बोलने को कहा गया और मैंने गलती से वहाँ पे ये कह दिया कि जो राजधानी के पत्रकार हैं लखनऊ के, चंडीगढ़ के, भोपाल के, जयपुर के, इनमें जिसका बस चलता है वो सरकारी मकान में रहता है, तो उसको क्या हक पहुंचता है कि वो सरकारी मकान में रहे। दूसरी बात, गोमती नगर से लेकर के और चंडीगढ़ के बगल में मनसा देवी तक जो पत्रकारों ने प्लॉट ले रखे हैं उनको क्या हक पहुंचता है कि वो प्लॉट की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। पर मैं मानता हूँ कि जब चूंकि लेने वाले पत्रकार ही हैं तो वो मान के चलते कि रहने के लिए एक घर लिया है, शुरुआत ऐसे होती है। लेकिन जयपुर में मैं जानता हूँ कि जब मोहनलाल सुखाड़िया ने प्लॉट दिए थे और अभी जब अशोक गहलोत ने प्लॉट दिए, उन लोगों ने फिर प्लॉट दिए जो मोहनलाल सुखाड़िया के दिए हुए प्लॉटों पर ही घर बना के रह रहे हैं, लिए भी उन्होंने, बेच भी दिए। उसके खिलाफ कोई भी मांग या आवाज उठाना जो है वो बुरा नहीं माना जाता है कि अपनी बिरादरी में कम से कम हम न बोलें। और गिफ्ट वगैरह की बात तो क्या छोड़िए, उसको तो मतलब लोग जो है वो करप्शन में मानते ही नहीं है, ये जानते हुए भी कि जो व्यापारियों की, उद्योगपतियों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है उनमें पत्रकारों की भीड़ उमड़ती है और कोई जानता है इसलिए कि वहाँ पे गिफ्ट मिलती हैं। लेकिन इस सिलसिले के ऊपर बात होते रहना चाहिए, चाहे कितनी हमारे लोगों की चमड़ी मोटी हो जाए। दूसरी बात, मैं समझता हूँ जो आपने कहा कि मीडिया का जो ये पतन है, बिखराव है, टूटन है, जो भी है, हिंदी में मैं जानता हूँ, अंग्रेजी तो मेरी खराब है, हिंदी में जो नुकसान सबसे बड़ा हो रहा है अखबारों में, अखबारों की बात मैं ज्यादा कर रहा हूँ, वो ये है कि उसमें विचार का लोप हो रहा है। अब उसमें कोई एनालिसिस नहीं होता है, विश्लेषण नहीं होता है, जो एडिट पेज है वो एडिट पेज मेरे ख्याल में सबसे इरेलीवेंट चीज हो गई है एडिटर के लिए। और हिंदी में तो कम से कम ये है कि जो छपते हैं वो हिंदी के लोग नहीं छपते हैं, हिंदी में जैसे कोई राइटर्स नहीं है, इंटेलिजेंसिया नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, एकेडमिशियंस नहीं है, हिंदी में जो छपते हैं वो खुशवंत सिंह छपते हैं, कुलदीप नायर छपते हैं, वो लोग जो अंग्रेजी अंग्रेजी में ब्रांड बन चुके हैं, हिंदी अखबारों में जब उनको छापा जाता है तो माना जाता है कि हमारा अखबार बड़ा अखबार है क्योंकि हम लोग अंग्रेजी के जो ब्रांडेड उनको छाप रहे हैं। और कोई जो एनालिसिस जो हिंदी का कोई लेखक कृष्ण कुमार हिंदी के हैं वो अंग्रेजी अखबारों में छपते हैं, मजे की बात है, जब शिक्षा पे, एजुकेशन पे लिखना होता हिंदी अखबारों में उनके लिए जगह नहीं है। तीसरी चीज जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जिसके ऊपर बात कई बार होती है लेकिन इस पर भी बात भ्रष्टाचार के बार बार करना चाहिए कि संपादक नाम की जो चीज है वो बिल्कुल खत्म है। अब जो खासकर अखबार सबसे ज्यादा अखबार बिकने वाले प्रादेशिक अखबार हैं, आप पंजाब में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप केरल में चले जाइए, आप ज्यादातर अखबारों में पाएंगे कि मालिक संपादक होते हैं, इसलिए नीति भी मालिक बनाते हैं। तो एडिट पेज का क्या मतलब वहाँ पे मयार हो, क्या वहाँ पे वो उसकी जगह हो, वो तय करने वाला जो है वो मालिक है। तो मालिक को लगता है कि सबसे खराब चीज है इसको कोई नहीं पढ़ता है, 1% लोग एडिट पेज पढ़ते हैं, तो एडिट पेज को आप मनोरंजन की चीज बना दीजिए। तो धीमे धीमे जो चीजें अखबारों पे छा रही हैं और इस ढंग से छा रही है जैसे अखबार टीवी से कम्पीट कर, कैलेंडर की तरह अखबार छपते हैं, वही तस्वीरें, बड़ी बड़ी ग्लैमर कारें, कंज्यूमर्स की जो चीजें हैं, वाइन के बारे में जो पहले लोग मानते थे कि इस तरह चीजें छापना जो है वो कोई सभ्यता की चीज नहीं है, अब उसे बताया जाता है हिंदी समाज वाइन पीता हो या नहीं पीता हो। हमारे काम कस्बे में तो शराब की दुकान का नाम वाइन स्टोर होता था, यानी हर शराब को वाइन कहते थे, और अब उनको अभी तक पता ही नहीं है कि वाइन वास्तव में क्या होती है, लेकिन अब हिंदी अखबारों में पता चलने लगा कि वाइन क्या होती है, क्योंकि आपको धीमे धीमे करके उपभोक्ताओं की चीजें कोई पैसा पीछे से दे रहा है कि आप इस चीज का प्रचार कीजिए और वो चीजें जो इसमें आती हैं। और चौथी चीज जो आपके घंटी बजाने वाले हैं इसलिए मैं अंतिम बात करूंगा कि जो भाषा है सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो है वो हमारा भाषा है, और उसका पतन हिंदी में तो है कि हिंदी बची नहीं है, उस पर अंग्रेजी की घुसपैठ इस तरह से हो गई है, और हिंदी भी जो हिंदी है वो हिंदी नहीं है। लखनऊ में एक बात कहकर आया कि आप लोगों ने यूपी में दबंग शब्द का एक चलन बढ़ाया है, सिनेमा भी बन गया उस पर, और एक बाहुबली,
कि दोनों शब्द हिंदी की किसी भी डिक्शनरी में नेगेटिव नहीं है, ये अच्छे शब्द हैं। बाहुबली तो एक जैन देवता का नाम है, दबक का मतलब है जो किसी से दबता नहीं है, निडर होता है। अब दबाने वाले को कहते हैं क्योंकि दबाने वाले नेता को दबंग कहने की हिम्मत पत्रकारों में रही नहीं, क्योंकि जो गुंडा है, राजा भैया है, जैसा भी भैया है, उनके बारे में आप दबंग कहेंगे तो खुश रहता है। जैसे कि जब मैं चंडीगढ़ में था तो टेररिस्ट को आप मिलिटेंट कहते थे तो खुश होता था, काकू कहते थे खुश होता था, लेकिन आतंकवादी कहने पे वो बुरा मान जाता था। तो दबंग शब्द को एक अच्छा शब्द बना दिया है। ये जो भाषा का पतन है, ये भी मैं मानता हूँ कि एक बड़ी घटना है जिसकी तरफ हिंदी वालों का ध्यान जाता है।